यूपी के मैनपुरी में शराब के नशे में धुत होकर दबंगों ने वाल्मीकि समाज के एक परिवार को टारगेट कर जमकर पत्थरबाजी की और घर के बाहर खरीदारियों में भी तोड़फोड़ कर अंजाम दिया गया। दरअसल मामला थाना करावली के ग्राम करावली का है, जहां बीती शाम वाल्मीकि परिवार कुछ फौजी होली की छुट्टी पर अपने घर आए हुए थे। आरोप है कि इसी बीच गाँव के कुछ क्षत्रिय लोग अचानक घर में घुस आए और लाठी डंडों से पथराव करने लगे। जब वाल्मीकि परिवार ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने घर के बाहर खरीदारियों में तोड़फोड़ को अंजाम दिया, जिससे गांव में अराजकता का माहौल पैदा हो गया है। घटना में महिला सहित दो लोग भी घायल हुए हैं। वही मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के बाद आरोपी मौके से फरार हैं। फिलहाल दोनों ही पक्षों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई भी चुप गई है। थाना कुरावली के तरौली गांव में कल करीब 7:30 बजे के लगभग दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष वाल्मीकि समुदाय से है और एक ठाकुर समुदाय से है। और इनका कहना है, वाल्मीकि समुदाय का, कि उसके घर पे कुछ रिश्तेदार आए थे और वो खाना पीना चल रहा था, गाड़ी बाहर खड़ी थी, उसी को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने झगड़ा किया और पथराव किया, जिससे गाड़ी डैमेज हुई है, कुछ हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखा गया है। दूसरे पक्ष ने भी अपनी मेडिकल कराया, उनको भी हल्की चोटें हैं, उनका भी अभियोग दर्ज किया गया है। दोनों में निष्पक्षता के साथ तत्परता से विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मैनपुरी से जनमत न्यूज के लिए गौरव पांडे की रिपोर्ट।